वेलकम स्टूडेंट, ये हमारा इंडियन मॉनसून का पार्ट 3 है। इससे पहले आपके पार्ट 2 आ चुके हैं और पार्ट 1 भी आ चुका है। पार्ट 1 में हमने क्या है, सिंपल इंट्रोडक्शन लिया था कि किस तरीके से मॉनसून हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, मॉनसून क्यों हमारे यहाँ, जो वो मॉनसून का बादल हमारे यहाँ क्यों अट्रैक्ट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है इसीलिए हाई प्रेशर की जो हवाएं वो क्या होती हैं, लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। ये देखा था जो था हमने, उसमें कोरियलिस फोर्स के बारे में पढ़ा था हमने, उसमें फेरस का जो था लो भी हमने डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हमने जो है इंडियन मॉनसून के जो कैसे ये एंट्री करता है, सबसे पहले क्या है जो केरला के कोरोमंडल जो था कोस्ट है, केरला के मलाबार कोस्ट, किससे केरला के जो था यहाँ पे मलाबार जो कोस्ट है वहाँ उसके पास आता है, और एंड में कैसे पंजाब पे सबसे लास्ट में बारिश होती है। ये सारा चीज हमने पिछले जो पार्ट 2 में डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 है, इसमें आज इसकी जो जो था इंडियन मॉनसून की जो यहाँ से तमिलनाडु के पास से दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, तो इधर वाला क्या होता है अरेबियन सी ब्रांच हो गया, इधर वाला बे ऑफ बंगाल हो गया, ये ब्रांच है। तो हमने उसमें अरेबियन जो था सी वाला ब्रांच का हमने डिस्कशन कर लिया था। उसी में मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि कौन कौन ऐसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं कि जो जो था मॉनसून के जो मॉनसून का जो बादल होता है उससे टकराते हैं, और कुछ एरिया पे बारिश होते हैं तो कुछ एरिया पे बारिश नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेन होता है, और जिस एरिया पे अगर मैं बादल से टकराया मेरे सामने वाले पे जो होता है रेनी एरिया आता है, और पीछे वाला रेन जो होता है रेड शेडो एरिया बन जाता है। ये पिछली क्लासेस में हमने सिंपल सीखा, हमने कुछ माउंटेन के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि यहाँ के कौन कौन से माउंटेन, जैसे हमें बताया कि ये वेस्टर्न घाट है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया और ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ईस्टर्न घाट हो गया। ये दोनों कहाँ मर्ज होते हैं, एक नीलगिरी हिल्स है, क्या नीलगिरी हिल्स, इस जगह पे ये दोनों नीलगिरी हिल्स के आसपास में मर्ज होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने देखा था यहाँ पे एक जो होता है अन्नामलाई हिल्स हो जाता है, ठीक है, इलायची जो होता है इलायची जो होता है एक इलायची हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, दो हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था यहाँ पे बिहार के पास कोने पे राजमहल की राजमहल हिल्स है जिसे हम राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक रामगढ़ है, यहाँ पर एक क्या है छत्तीसगढ़ के और इसी बिहार के कोने के पास एक रामगढ़ जो था रामगढ़ हिल्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बीच में हमने देखा यहाँ पे गिर जो था आपको गिर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको विंध्याचल सतपुड़ा ये देखने रेंज देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो आपको, देखो आपको यहाँ पे पास नहीं, यहाँ पे भी नहीं आती, यहाँ पे अजंता की जो हिल्स है अजंता हिल्स है, यहाँ पे कौन सा है अजंता हिल्स है। उसके बाद में ये बहुत बड़ा जो आपने देखा था ये शिवालिक हिमालय का पार्ट शिवालिक का हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंती आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे। इधर में अरावली, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको अरावली, ये हो गया बाकी ऊपर हिमालय। मैंने बोला था इतने कुछ आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखने, ये चीजें यहाँ पे कुछ कुछ आपको याद रखने, क्यों याद रखने हैं, क्योंकि ये हिमालय पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है, मतलब इंडियन मॉनसून पे, किसी बच्चों इंडियन मॉनसून पे ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। क्यों मैंने आपको बताया, बारिश होने का, अगर बारिश आपको करवानी है ठीक है तो वहाँ टेम्परेचर का भी होना जरूरी है, जो हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ के बादलों को गर्म करके ऊपर लेके जाएगा और ठंडे बादल आकर उससे टकराएंगे, और ठंडे बादल टकराएंगे या तो उसको जो है पानी जो उसमें जो होता है एवोपरेट होकर जो वो धीरे धीरे भारी होगा और किसी चीज से टकराएगा तब बारिश यहाँ पर होगी, उसके लिए आपको इनका होना जरूरी है। तभी आपने देखोगा कि इस इलाके पे काफी ज्यादा बारिश होता है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है के फेरस लॉ के अकॉर्डिंग उसे आना तो सीधा चाहिए, लेकिन फेरस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपना क्या होता है ऊपर की साइड 0 डिग्री के राइट में मुड़ जाता है, तो वो यहाँ से कहाँ होता है यहाँ से आते हैं ऐसे राइट में जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे राइट में जाते हैं, तो एक ब्रांच यहाँ चला जाता है ऐसे करके क्या होता है इस तरीके से चला जाता है एक ब्रांच, ठीक है, इस वाली ब्रांच को कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया, और इधर वाली ब्रांच जो होती है ये क्या हो जाता है बच्चों ये अरेबियन सी की ब्रांच हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है केरल के मलाबार जो है कोस्ट पे आता है, इसलिए यहाँ सबसे पहले वर्षा होती है। आपने देखा होगा प्री मॉनसून के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, तो प्री मॉनसून क्या होता है जब ये जून से जून फर्स्ट वीक, देखो मॉनसून का आने का टाइम पीरियड फर्स्ट वीक ऑफ जून होता है, एक तारीख 1 जून को कहा जाता है कि केरल तक पहुंच जाता है मॉनसून, ठीक है, आपके जैसे मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपकी मॉनसून आ जाएगा,
लेकिन अगर उससे पहले आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं प्री मानसून। कहते हैं प्री मानसून, इससे यहाँ के जो आम होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो है मैंग्रोव भी बोलते हैं आप इसमें, ठीक है। मैंगो जो है मानसून भी आप बोलते हैं, मैंगो सावर ऐसे करके आपने देखा, ठीक है। मैंग्रोव यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। उसी में उधर आपको काल बैसाखी, आपको मैं सबको चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से इस बारे में देखा था, यहाँ से जो होता है एक यहाँ पे किस पे टकरा जाती है तो बारिश यहाँ आसपास हो जाता है, लेकिन इसके रेड छोटे एरिया होता है यहाँ, इसलिए आपको रड कच्छ का रड आपको देखने को मिलेगा, और जो डेजर्टी यहाँ दलदली इलाका देखने को मिलेगा वो बताऊंगा क्योंकि लूनी नदी की वजह से। आगे समझ में इतना, एक जो होता है बच्चों को दिल्ली की तरफ यहाँ निकलता है, ये होता है इस वजह से यहाँ पे निकल जाता है, इसलिए राजस्थान की इधर बारिश नहीं होती है। अरावली माउंटेन आपको देखने माउंटेन देखने को मिलेगा, वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश करती है। एक जो यहाँ से एक ब्रांच इसमें चली जाती है, और यहाँ से जो था राम जो था वो रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ होती है मतलब हिल्स है वो इसको रोके, जो एक मानसून इसके अंदर में ही फंस जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर फंस जाता है, एक ऊपर चलती है, और ये यहाँ पे जाएगा दिल्ली के आसपास हरियाणा के पास आसपास जो है बिहार के इलाके स्टार्टिंग मतलब वेस्टर्न इलाके में थोड़ा बारिश वारिश करके ये वापस इससे हिमालय से टकराता है। उसके बाद में देखो सब धीरे धीरे ये ऊपर जाता है, यहाँ ऊपर आपको मिलेगा जो था एक हमारा हिमालय के पास से ऊपर आपको हिमालय जो होता है आपको वहाँ पे ट्रांस हिमालय देखने मिलेगा। ट्रांस हिमालय में चार पार्ट होते हैं, देखो ये होता है ऊपर कराकोरम लद्दाख, लद्दाख जास्कर, ठीक है, और पीर पंजाल। ये आपको क्या है ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, पीर पंजाल के उस साइड कभी कभी उसको लेते हैं पीर। तो यहाँ पे आपको बारिश होगी लेकिन उसके उस साइड नहीं होगी, क्यों, वहाँ पे क्या होता है रेन शैडो ही होता है। सबसे कम बारिश जो होती है मानसून के वजह से वो लद्दाख के लेह में होती है। किस में होती है, लेह। सबसे ज्यादा बारिश आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ होती है, सबसे कम जो है लद्दाख के लेह में, क्योंकि वो बहुत ऊपर चला जाता है और वहां तक मानसून जो है जा नहीं पाता है, इस वजह से वहाँ बारिश होती है। जब ये वापस लौटते आते सितंबर के आसपास तो उससे पहले तो यहाँ पंजाब में होती है बारिश, तो सबसे लास्ट में मानसून से जो आपका जो मानसून आता है तो सबसे पहले कहाँ मालाबार में, और सबसे लास्ट में कहाँ बारिश होती है, तो सबसे लास्ट में बारिश होती है आपके पंजाब में। किससे, पंजाब में। जैसे मॉनसून आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ, केरल में आया, फिर जाते जाते उसका बाउंड्री कहाँ खत्म हुआ, पंजाब में खत्म हुआ, फिर वो वापस टूटेगा और फिर वापस आएगा। तो अब इसके बाद हम रिट्रेटिव या विड्रॉल मॉनसून के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, लेकिन पहले यहाँ पे हम इस वाली ब्रांच को देख लेते हैं। अब इसकी किसकी बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। मैंने याद बताया हवा नीचे से आ रही है, ठीक है, आते आते यहाँ पे इससे टकराई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया अभी, अब दूसरे पार्ट की डिस्कस कर रहे। देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये जाती है हवा बादल या जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बादल जा रहा है, ये बादल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो अब तीन आपको मेघालय का वहाँ पे देखने को मिलेगा, इनसे टकरा जाता है। लेकिन देखो मेघालय के मानसीराम और चेरापुंजी ये दो ऐसी जगह जहाँ पे आपने देखा होगा काफी बारिश होती है, कि हमें काफी ज्यादा बारिश होती है मानसीराम और चेरापुंजी, वो कहाँ मिलेंगे, वो आपका जास्कर जो माउंटेन है जास्की जो गारो खासी जयंतिया, तो खासी जो है तो खासी के जस्ट नीचे आपको पहले इधर चेरापुंजी मिलेगा, और इधर ही इसके इसके इधर ही पहले चेरापुंजी में ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन जो हमारा वेदर फिनोमेना है जो हल्का सा चेंज हुआ है इस वजह से मानसीराम पे चेर ना होके वो क्या मतलब चेरापुंजी पे ना होके मानसीराम पे ज्यादा बारिश होने लगी है। तो वो कहा मानसीराम आपको यहाँ मिलेगा चेरापुंजी। तो इसमें क्या होता है कि जब ये बादल जाता है ना बच्चों यहाँ पे चीजें, तो ये आपस में यहीं पर बादल फंसकर रह जाता है, मानसून का बादल क्या होता है यहाँ पर फंसकर रह जाता है। किस पे, इस जगह पे इंडे, क्योंकि देखो यहाँ से इसे क्यूब जो इसमें क्यूब जो था आपने ना क्यूब जो गाड़ी में पेट्रोल डालने का ऐसा होता है ऐसा, ये कील की आकार का देखने को मिलता है, क्यों, देखो यहाँ से भी रोक लेता है यहाँ से भी रोक लेता है, तो मॉनसून का बादल इसमें फंस जाता है, इसमें क्या होता है फंस जाता है उसमें आपस में टकरा के, इसलिए सारा झमाझम बारिश यहीं पर हो जाती है, क्या यहीं पे, इसलिए सबसे ज्यादा बारिश का होती है पहले चेरापुंजी अभी मानसीराम, और आने वाले टाइम पे ये भी जगह थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, जब इससे हो गया आधे बादल इससे टकरा जाते हैं, किससे, गारो खासी जयंतिया में गारो से स्टार्टिंग की जो पहली है, तो टकराने के बाद इसमें टकराते हैं और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ इस तरफ आते हैं, इसमें शिफ्ट आ जाते हैं और दिल्ली इधर गंगा के आसपास में आके दोनों ब्रांच आपस में जुड़ जाते हैं। तो गंगा प्लेन जो है हमारा यहाँ पे दिल्ली के आसपास ही आके क्या होता है आपस में जो दो ये दोनों नीचे से गई यहाँ से गई यहाँ पे इधर गई गारो खासी जयंतिया में बारिश कराई यहाँ ये दिल्ली गई पंजाब में आई पंजाब के बाद अब ये वापस जा रही है हिमालय से टकरा के इधर से वापस चलने लगी तो ये आने अभी आएगी वापस आ रही है इससे पहले ये आकर इससे मिल जाएगी गंगा के पास आकर इससे मिल जाएगी किस वाले से मानसून से
ये आई क्यों, गारो ने इसको धक्का मारा वहां से, गारो ने इसे, गारो खासी में गारो ने धक्का मारा ऊपर हिमालय पर्वत ने धक्का मारा और ये मुड़ते मुड़ते एकदम से यहाँ आ गए। और ये दोनों जो ब्रांच थे ये दिल्ली में आकर आपस में मिले और जैसे आपस में टकराए फिर दिल्ली में दोबारा बारिश आती है, मानसून से दिल्ली में दो बार बारिश होती है, फिर टकराया फिर ये वापस जाने लग गई। अब यहाँ से क्या वापस, अब ये दोनों जाएंगे इस तरफ, ये आई टकराए और अभी से टकराए, अब ये वापस आराम से जा रहे दोनों, आराम से जा रहे ये ब्रांच वाला, ठीक है। मानसीराम वाला मैंने, ये बिहार बंगाल वाला तो मैंने समझाई दिया आपको, तो ये आया 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 आराम से चलता गया, फिर एकदम से ये राजमहल की हिल्स, राजमहल हिल्स, कौन सा राजमहल हिल्स, यहाँ पे देखो बिहार के पास बॉर्डरी बनाता बिहार झारखंड के पास, राजमहल की हिल्स यहाँ से आए टकराए, झट टकराए और यहाँ से रामगढ़ की पहाड़ी टकरा दी, यहाँ से क्या वेस्टर्न घाट जो था वेस्टर्न घाट के इधर नहीं जाते, इसीलिए अब ये क्या यहाँ से गई और यहाँ से ऐसे ये आई मानसून आकर बादल आ रहे बादल नाम, ठीक है। देखो इस बात को मैं शुरू से एंट्री कराता हूँ, वेदर देखो ये गई टक 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 यहाँ से आई इधर से जाइए, अब इधर वाला तो फंस गया आधा, इधर वाला फंस गया बीच में से निकला, ये यहाँ से गया आधा बादल इसमें गया इधर फंस गया, मानसिरा में सबसे ज्यादा बारिश करवाई इसमें टकराए, इसके बाद ये यहाँ आए, ये यहाँ आई, ये ऐसे करके बारिश वारिश करवा के टकराए, फिर ये दोनों यहाँ से चलने लगे टकरा के यहाँ पर चलने लगे, फिर इससे टकराए इस वाले बादल से, अब ये बादल यहाँ आ गया, अब यहाँ पे आने का जिसे यहाँ पे आ गया ये बादल आया, फिर ये यहाँ से जाएगा यहाँ से इधर को जा नहीं सकता, क्यों यहाँ पे इस क्या ईस्टर्न घाट है, क्या ईस्टर्न घाट है, ये आया था ईस्टर्न घाट है, नहीं जाना 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 एकदम से देखेगा यहाँ से इलायची और अनामलय जो मैंने आपको हिल्स बताई इनसे टकरा जाएगा, इनसे टकरा जाएगा, इसीलिए लौटते मानसून से विड्रोल रिट्रीट जो था रिट्रीटिंग मानसून से एक दिसंबर के आसपास में तमिलनाडु में बारिश होती है, तमिलनाडु में ठंड के समय में बारिश होती है, क्यों होती है क्योंकि लौटता हुआ मानसून जो आएगा जो विड्रोल रिट्रीटिंग मानसून यहाँ से आ रहा है, बीच में कहीं पर भी टकराने का मौका नहीं मिला, टकराने का मौका मिला ही नहीं, यहाँ क्या इधर से इलायची मतलब अनामलय उधर से इलायची इधर से वेस्ट बंगाल दोनों ने रोक लिया इसे, बादल को भी रोक लिया पकड़ लिया और ये टकराई और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई और फिर उसके बाद ये नीचे अपने आप चली गई, क्यों चली जाती है दिसंबर में उसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको इसको लौटते हुए कला लौटाते आप यहाँ, अब देखो उड़ीसा में यहाँ किसको देखो इसको पानी चाहिए क्योंकि इसको बारिश जितना कराना है एवोपोरेशन गर्मी चाहिए ताकि इसके अंदर में बादल आता रहे और ये बारिश करवाता रहे, लेकिन यहाँ पे जमीन है दोनों पे, यहाँ का है आप देखोगे ये उड़ीसा का इलाका, क्या उड़ीसा उड़ीसा में इसको पानी मिला नहीं, जमीन की तरफ से चल रहा है, जमीन पे चल रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ साइक्लोन आते हैं, क्या आते हैं साइक्लोन, बारिश जल्दी नहीं होती है, क्या आता है साइक्लोन, तो सबसे ज्यादा रिट्रेटिव मानसून से जो आने वाला साइक्लोन कहाँ पर आता है तो उड़ीसा में आता है, क्यों क्योंकि यहाँ इसको पानी नहीं मिलता है, इसको क्या होता है पानी, देखो यहाँ से आ रहा था तो पानी लेके आ रहा था, पानी लेके आ रहा था सारा पानी बरसा दिया बेचारे के पास पानी तो बचा नहीं, अब ये लौटते आ रहा कह रहे हैं कहीं पे नदी दिख जाए पानी दिख जाए, तो हल्का फुल्का गंगा नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है तो बरसाता आता है बरसाता आता है, लेकिन यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है, अब ये पानी मांग रहे हैं इसको पानी मिल ही नहीं रहा क्योंकि जमीन है जमीन है, तो उड़ीसा में इसलिए क्या आता है साइक्लोन आता है, क्या आता है साइक्लोन, लेकिन बारिश नहीं होती बहुत कम होती है, होती है जो नहीं होती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में आ गया, अब बोले सर तमिलनाडु में कैसे हो गया जबकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी साइक्लोन आता है प्लस हल्की फुल्की बारिश भी होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, क्यों देखो आया आया एकदम से देखो ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये जमीन का यहाँ की जमीन अंदर हो गई और यहाँ थोड़ा सा हिस्सा पानी का इसको मिल गया, इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा पानी इसको मिल जाता है और थोड़ा सा पानी ले जाके ये तमिलनाडु के पास बरसा आता है और थोड़ा आंध्र प्रदेश में बरसा आता है, तो इसे कहते हैं विड्रोल मानसून, ये क्या होता है विड्रोल मानसून, देखो डेट नहीं बताई मैंने, डेट बताता देखो बच्चों 1 जनवरी को यहाँ पहुंचा, 1 जून को यहाँ पहुंचा, जून के बाद धीरे धीरे क्या 5 तारीख को इसी इलाके में पहुंचा, 15 तारीख को ये जो है ये फिर थोड़ा सा दिल्ली मध्य प्रदेश के इलाके में पहुंचा, फिर जून में जून के फर्स्ट वीक में ये दिल्ली के आसपास भी पहुंचा, 15 जून तक पूरे भारत में फैल गया, ये सब कुछ नहीं है, डेट अपने आप याद रहेगी, लेकिन बस आपको इसके आने का तरीका ये चीज आपको पता होना चाहिए, बारिश क्यों हो रही है कौन कौन से माउंटेन से होना चाहिए ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आया समझ में, इतना ही था बस मानसून में, कुछ आपको लगा ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं, देखो बच्चों मैंने देखा है कई बार आप लोग बच्चे इसमें पढ़ भी नहीं रहे हो, मैंने काफी देखा पहली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो और काफी बच्चों ने काम मुझे दिखाया भी, लेकिन सेकंड वीडियो में देख रहा हूँ कि कोई बच्चा उसको इतना देख नहीं रहा है और पढ़ भी नहीं रहा, आप सब देखो आप सब यही गलती करते हो स्टूडेंट लाइफ में, हर चीज आपको मजाक नहीं होती है, आज का जनरेशन का टाइम पीरियड देखो आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो नॉर्मल बच्चे मतलब धरती पे बोझ बनने के अलावा और आपके पास कोई काम नहीं होगा, बाकी आप देख रहे हो लड़के कैसे करते रहते हैं बच्चे क्या होते हैं, दो ही चीज होगी, गर्ल्स मैं आपको भी इतनी बार बोलता हूँ कि आपके पास एक जो था मार्क्स जो अच्छे नंबर होते हैं ना वो मम्मी पापा के लिए सर्टिफिकेट होता है कि मम्मी पापा मुझे आगे पढ़ना है,
मम्मी पापा आपके मार्क्स देख के ही आपको पढ़ाते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, मुझे आगे भी पढ़ने का मौका दो, मेरी आगे चलकर शादीवादी ये चीज़ों पे मना करो। क्यों? टेंथ में अच्छे नंबर लाओ ताकि अपना करियर बनाओ, और ट्वेल्थ में आप कॉलेज में पढ़ सको, इसलिए ट्वेल्थ में आपको नंबर लाना है। ट्वेल्थ में आप अगर अच्छे नंबर लेके आए तो कॉलेज में आपके मम्मी पापा देखेंगे नहीं अब ये पढ़ने में है तो इसको कॉलेज में एडमिशन कर लो। लेकिन जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन ट्वेल्थ में अच्छे नंबर नहीं लेके आए, आपकी वहीं पे आपका बोलेगा ठीक है बेचारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले, और दूसरी तरफ आपके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया जाएगा। इतनी बार आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो पढ़ाई पे मेहनत करो और टेंथ और ट्वेल्थ में अच्छे नंबर लेके आओ, क्योंकि वो नंबर आपका सर्टिफिकेट है कि आपको आगे बढ़ना है। अपनी जिंदगी आप खुद खराब करते हो, फिर बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। वुमेन एम्पावरमेंट तभी बढ़ेगा जब आप खुद से जो है मेहनत करोगे, कोई आपके लिए बैठा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, नवाब वाजिद अली क्या स्टोरी बताई थी कि नौकर ने उसके जूते में पैरों में जूता नहीं पहनाया था अंग्रेजों के, इससे मारा गया बुलबुलिया, क्यों उसने जूते नहीं बनाया पहनाए, इसी वजह से। क्यों? तो लात ठपाई करोगे तो फिर मरोगे, आगे चल के वो मर ही गया। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को खुद अपने लिए ही मेहनत करनी है, कोई दूसरा आपको मेहनत करने नहीं आएगा। वीडियोस को देखो, जितना आपको पढ़ने का मौका बोलता हूँ उतना पढ़ाई करा करो। ठीक है, और बॉयज आप नहीं समझ रहे जो था कॉम्पिटिशन कितना टफ होता चला गया, एक मिनट हर एक मिनट में आपके पीछे एक और कॉम्पिटिटर आ रहा है और ज्वाइन कर रहा है आपको, हर एक मिनट में एक कॉम्पिटिटर ज्वाइन करता है। और आने जितनी जल्दी आप सक्सेस को पालो उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना लेट कर रहे हो कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज उतनी घटती जा रही है। इसलिए क्या ना, आप लोग धीरे से अभी से मेहनत करना शुरू करो। ठीक है, तो मुझे सारी वीडियो आप देखो और काम कंप्लीट करके रखो। पूरा तीनों मॉनसून मैंने अच्छे से समझा दिया, मॉनसून क्या होता है, किस तरीके से होता है। आप बोलोगे सर ये मॉनसून वापस क्यों आता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों हमारे यहाँ ठंड पड़ने लगती है। सूरज जो होता है जून में तो आ जाता है, लेकिन फिर जुलाई सितंबर के में नीचे होता होता जनवरी दिसंबर तक है, मकर जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है। तो हाँ, तो देखो ये रख, देखो इसमें क्या है, अभी जून के वक्त में इंडिया हमारे में मॉनसून कब आता है, जून पे। तो क्यों आता है जून पे, क्योंकि सूरज उस समय जून पे यहाँ होता है, किसमें होता है, यहाँ पे होता है। और फिर वो तो इसीलिए सारे बादल हमारे वहाँ अट्रैक्ट होते हैं और हमारा जो होता है इंडिया पे मॉनसून होता है। फिर ये बादल वापस क्यों जाता है, क्योंकि सूरज धीरे धीरे जो होता है उसकी रेज जो होती है डायरेक्ट नहीं पड़ती, उसकी रेज अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही होती है, तो सूरज की रेज डायरेक्ट इस पर पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्का सा राहत मिलता है सितंबर के वक्त में। फिर उसके बाद में ये सूरज जो होता है धीरे धीरे करके दिसंबर में नीचे चला जाता है, तो ठंड अब गर्मी कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। तो लो प्रेशर क्या बनना चाहिए, तो लो प्रेशर यहाँ पे बनना चाहिए, क्या इस इलाके में लो प्रेशर बनना चाहिए। लो प्रेशर यहाँ बनेगा तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि ठंड रहेगी, ठंड में यहाँ बादल क्या होता है सुकुड़ जाते हैं, आपस में पास जाते हैं और जो है आपस में बहुत सॉलिड हो जाते हैं, और इस वजह से यहाँ ठंडे होते हैं और यहाँ के बादल गर्मी ढूंढने का मौका ढूंढते हैं और नीचे की तरफ भागते हैं, तो जो सारा मानसून वापस से नीचे आ रहा होता है, इसलिए विड्रॉल मानसून होता है। इतना है समझ में, आगे समझ में आप सबको, चलो अच्छी बात है। इसको आप एक दो बार और देखो वीडियो, मॉनसून का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सारी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्स से लो चाहे नाइन्थ तक, टेंथ, इलेवंथ, ट्वेल्थ तक सब चीज़ों में आता है। मॉनसून से कंपटीशन भी हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट में आता है कि मान जो है इसमें केरल में ये दो ब्रांचेस क्यों शिफ्ट हो जाती है, ये भी बताया, ब्रांचेस बताया, ये वाला इलाका सूखा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे गिर जो माउंट हिल्स आपको देखने को मिलेगा और इस वजह से यहाँ ऊपर नहीं जा पाती है हवा, इस वजह से यहाँ देखो यहाँ फंस जाता है, इसलिए यहाँ होता है। अब तो यहाँ पे होता है बारिश नहीं होती है, यहाँ पे मतलब यहाँ बारिश होती है, तो बारिश सारे बादल तो पानी आए और यहाँ हल्का फुल्का, इसलिए ये रेड जो शैडो एरिया में आ जाता है, इसलिए आपने देखा होगा बीच में कई सारे लोगों को किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। आगे समझ में इतना अच्छे से आपको, ठीक है चलो, ये मॉनसून का हमारा ये टॉपिक था और इस टॉपिक को हमारा खत्म होता है आज, ये लास्ट वीडियो थी, इसको बहुत अच्छे से देखना। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहीं पे आपका देखता रहूंगा और एक एक चीज को आपको अच्छे से वहां पर समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।